क्या दोष था उस बच्चे का? श्री राम कह देना कितना बड़ा अपराध है भाई। बाकी लोग तो चले जाएंगे 56 देशों में, हम कहाँ जाएं? समुंदर में जाके डूब के मर जाएं? बाकी तो हमारे पास विकल्प क्या है? कुछ एक बार कोई उठाता है आवाज़? पूरे दुनिया में 56 देश हैं, लेकिन चीन के खिलाफ कोई जाता है? आज भी वहाँ कम से कम करोड़ों लोगों को जेल में बंद करके दाढ़ी बुरका से लेकर सारा इनका मजहबी ज्ञान से लेकर सब कुछ तोड़ के रखा है। एक कबूतर का कत्ल हो रहा है, वो आंख मूंद के अपना दाना खाए जा रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब बिजली पानी पे बिकोगे तो भैया कत्ल तो होगा ही। जिस दिन बहुमत हो गया तो या न तो संविधान रहेगा, न ये लोकतंत्र रहेगा। एक साथ होने का संकल्प लीजिए, बिजली पानी के चक्कर में कब तक इस दिल्ली को बर्बाद कर रहेंगे कोई जानने वाला नहीं है। ये ट्रेलर है शर्मा जी, अभी तो पिक्चर बाकी है, आप बहुत कुछ होने वाला है, क्यों घबरा रहे हैं? शाहीनबाग में देखे नहीं क्या क्या हुआ था? रास्ता जाने का हमको अधिकार नहीं है? मैं कह दूं कि मेरा रास्ता छोड़ दो भाई, हमको भी संविधान अधिकार देता है, हमको भी लोकतंत्र अधिकार देता है, हमको भी बाबा साहब हमारे लिए भी संविधान बना के कि भाई हमारा रास्ता छोड़ दो। उसके लिए पूरे दिल्ली को जला दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, अंकित शर्मा से लेकर और कितने लोग मार दिए गए याद नहीं है? वो दिन किस तरह से पूरे देश में, और फिर भी दोष किसको मर दिया गया? जो अपना अधिकार मांगने गया था, जो ये कह दिया कि रास्ता छोड़ दो भाई, यही बात थी, दूसरा क्या मामला था? फिर भी पूरा देश, पूरा विपक्ष, सब लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। आज किस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है, हाथों में डंडे लाठी 12-14 लोग, इसको लिंचिंग नहीं कहेंगे क्या? चोर तबरेज के लिए पूरा देश खड़ा होता है, लेकिन आज उस बच्चे के लिए कोई खड़ा हुआ क्या? कहीं आवाज़ आ रही है क्या? कहीं कुछ सुनाई दे रहा है क्या? जो घटना ये, इसके लिए ना पूरा दुनिया खड़ा होना चाहिए। किस बात का हम हिंदू हैं भाई? किस बात का हिंदुस्तान? किस बात का संविधान? किस बात की विचारधारा? कौन कहां गया ये लोकतंत्र? आज जब तथा कथित जो सेकुलर है, वह जब आज घरों से निकल के इसी तरह से अवार्ड गेंग वापसी अवार्ड वापस करता कि भाई अगर झारखंड में लिंचिंग हो जाता है, उत्तर प्रदेश में लिंचिंग हो जाता है, मध्य प्रदेश में लिंचिंग उसको तुम कहते हो, तो आज क्या कहोगे? चुप है, पूरा शांत है माहौल पूरे देश का। आप चारा हैं, आप चारा बने रहिए, बनते रहिए, ये खाते रहेंगे आपको, हाँ तब ठीक है। जिस तरह से 900 साल में आप चारा बने थे, उसी तरह से आज़ादी के बाद भी आप चारा बने रहिए, आपका इतना ही अधिकार है। आप रोटी कमाइए, खाइए, घरों में बैठ के सरकार को गाली देते रहिए, पुलिस वालों को गाली देते रहिए, प्रधानमंत्री को गाली देते रहिए, गृह मंत्री को गाली देते रहिए, तब अच्छा है। अच्छा, जैसे कि रिंकू की माँ कह रही है कि मेरे बेटे ने केवल जय श्री राम बोला था और जय श्री राम बोलने पर उसकी हत्या कर दी गई, और सवाल ये उठता है पांडे जी, अगर जय श्री राम हिंदुस्तान में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? नहीं, जय श्री राम तो क्या, सर्वे भवंत सुखना का सिद्धांत लेके गए, सबको जीने का अधिकार दे के गए। एक परिवार अपने बाप के कहने के लिए 14 साल के वनवास देने के लिए कह गए। यही हम बार बार इस देश को, इस सभ्यता और संस्कृति को बताने का प्रयास करते हैं कि तुम मूल धारा में आओ तभी असली गंगा जमुना होगा, लेकिन जब वह कह दिया जाता है तो हम सेकुलर हो जाते हैं, हम तो सांप्रदायिक हो जाते हैं, हम धार्मिक उन्मादी हो जाते हैं, हमारी विचारधारा संविधान के खिलाफ हो जाती है। संविधान के पहले पन्ने पर ही राम के पूरे परिवार का फोटो था, यह देश समझना चाहिए। लेकिन उसको इस तरह से कंडीशनल धीरे 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 इस देश को उसी लायक ढाल दिया गया, और हम भी क्या करें, हमारी मजबूत, हमको उसी लायक हुआ। ये नेता लोग 70 साल में हमको समझा दिए कि आपकी औकात कुछ नहीं है, आप जातियों में बटे रहिए, कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई ठाकुर हो जाए, कोई OBC हो जाए, कोई दलित हो जाए, दलित के नाम पर बाँटिए, एक एक व्यक्ति को, एक उसमें समाज के एक वर्ग को गाली देते रहिए और समाज में बटे रहिए, ताकि यह फल फूलते रहें, और जब यह ठोक के आपको सुताते रहें कि आराम से पड़े रहिए, और जब इनको मौका मिलेगा तो बिहार में क्या हुआ, कहाँ गए लालू के बेटा, कहाँ गए सारे नेता लोग, किसको वोट मिला, किस पार्टी को बिहार में आज 5 सीट मिला ना, जहाँ बहुमत में संख्या हो गई, इससे भी नहीं समझ में आता है, आँख नहीं खुलता है। MIM को मिला ना 5 सीट, वहाँ तो सारे लोग लड़ रहे थे, क्यों नहीं दिए?
सिर्फ मौका मौके का इंतजार है, समय आने दीजिए, वह आपको ठुका ठुका के आप हिंदू में बटे रहिए, आपस में गाली देते रहिए, आपस में लड़ते रहिए, इसी तरह से चलते रहिए। आज एक मारा गया है, कल 10 मारे जाएंगे, अभी तो ये धीरे धीरे, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो 20-25% है, थोड़ा मौका तो आने दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं किसको किसको कहूँ, पाकिस्तान में कितने परसेंट थे आप, 14%, आज कितने परसेंट हैं? अरे और की बात छोड़ दीजिए, बगल में बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया, किसने कराया? हमने, हमारी सेना, हमने खून दे के बांग्लादेश को आज़ाद कराया। वहाँ की प्रधानमंत्री क्या कहती हैं कि यह मुस्लिम देश है जिसको हमने अपने खून से सींचा, जिसने हमको एक देश बनाया। वहाँ की प्रधानमंत्री और वहाँ के विचारक क्या कहते हैं कि यह मुसलमान मुस्लिम देश है तो यहाँ हिंदुओं की क्या ज़रूरत, अगर हिंदू को रहना है यहाँ तो मुस्लिम बन के रहे। सीधे सीधे उनके दो लाइन में शब्द है, फिर भी यहाँ के हिंदू समझ में नहीं आते। दिक्कत इस बात का है कि लगे रहते हैं इसलिए कि हम विधायक बन जाएंगे, हम कल MP बन जाएंगे, कल जिला परिषद अध्यक्ष बन जाएंगे, कल कुछ बन जाएंगे, इस लालच में हम तलवा चाटते रहते हैं और तलवा चाटने का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं और हमको, हम मारे जाते हैं। और फिर भी जाके देखिए, केजरीवाल से लेके ये तथाकथित जितने नेता हैं सेकुलर, जो सेकुलर कहते हैं, संवैधानिक कहते हैं, कहाँ गया संविधान भाई? आज केजरीवाल को जाना चाहिए ना, अपने मनीष सिसोदिया को ही भेज दिए होते, किसी मंत्री को ही भेज दिए होते, क्या दोष था उस बच्चे का? श्री राम कह देना कितना बड़ा अपराध है भाई, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ भाग के जाएं? अब हमारे लिए कोई दूसरा देश भी तो नहीं है, बाकी लोग तो चले जाएंगे 56 देशों में, हम कहाँ जाएं, समुंदर में जाके डूब के मर जाएं, बाकी हमारे पास विकल्प क्या है? तो पांडे जी, सवाल तो दिल्ली पुलिस पर भी उठता है, दिल्ली पुलिस को ना आपने देखा होगा ऐसी पहली घटना नहीं हुई दिल्ली के अंदर, आपको नहीं लगता दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस से सबक लेना चाहिए? केंद्र सरकार के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए एक बात तो है, कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा दोष है, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, डर नहीं है। जिस दिन डर हो जाता ना, दिल्ली पुलिस का खौफ हो जाता, तो यह अपराध, देखिए यह भारतीय संविधान, भारत का कानून इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। और वहाँ तथाकथित जो उनका जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ इंसान नहीं बनाया जाता है, वहाँ जानवर बनाया जाता है। तो जानवर के लिए भारतीय कानून नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक ही देश इनके हिसाब से चलना जानता है, वो है चीन। पूछ, एक बार कोई उठाता है आवाज़? पूरे दुनिया में 56 देश हैं, लेकिन चीन के खिलाफ कोई जाता है? क्यों नहीं जाता है? देख रहे हैं ना किस कंडीशन में बना के रखा है। आज भी वहाँ कम से कम करोड़ों लोगों को जेल में बंद करके, दाढ़ी बुरका से लेकर सारा इनका मजहबी ज्ञान से लेकर सब कुछ तोड़ के रखा है, फिर भी उसी के साथ जाके चिपकते हैं, उसी का समर्थन भी करते हैं, उसी के खिलाफ एक आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये उसी के पात्र हैं, जब तक इनको उस लायक कंडीशन में नहीं रखा जाएगा। उसको खूब समझते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी कि इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। ये पिंजरे के जीव हैं, पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं, इनको जब तक उस लायक, देखिए कहीं भी बहुसंख्यक हिंदू हो वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित पहुँचते हैं, लेकिन जरा जरा सा बहुमत इनका हो जाए फिर देखिए, हम तो भुक्तभोगी, हम लोग देखे हैं भाई, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े हैं, ऐसे नहीं, मैं जब विवादित ढांचा गिर रहा था उसमें भी था, बहुत सारा जमाना देखा गया। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की चूक है, लेकिन गृह मंत्रालय करे भी तो क्या करे? एक बात बताइए, अभी विधायक, अभी पूरे दिल्ली में तहलका मच जाएगा अगर पुलिस कार्रवाई कर दे तो। अभी केजरीवाल नंगा होकर और पूरे विधायक देख रहे हैं किस तरह से, थोड़ा सा भी कोई बात हो जाती है दिल्ली में अगर उनके खिलाफ, तो किस तरह से विधवा विलाप होने लगता है। मजबूरी भी तो है, जब तक यह दिल्ली के लोग बिजली पानी पर जब बिकते रहेंगे, इनका इनका हाल वही है, बस वो दाना डाल दीजिए कबूतर को, कबूतर खाया जा रहा है, और बगल में एक कबूतर का कत्ल हो रहा है, वो आंख मूंद के अपना दाना खाए जा रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब बिजली पानी पे बिकोगे तो भैया कत्ल तो होगा ही। किस तरह से देखे, पूरा दिल्ली जाम था, किसने कराया था? इन्हीं के विधायक अमानतुल्ला कराए थे, साफ साफ इनका मुख्यमंत्री कहा कि हम शाहीनबाग के साथ खड़े हैं। इतना बड़ा दंगा हो गया, वो भी जिस दिन हमारे भारत के सम्मान की बात थी। एक तरफ लगे हुए हैं कि किस तरह से भारत अपमानित हो, किस तरह से भारत बदनाम हो, तो भाई एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, गृहमंत्री हों, या अन्य जो उसके सहयोगी दल भी हैं, वो लगे हुए हैं कि भारत को किसी तरह से विश्वगुरु बना दिया जाए, समुन्नत राष्ट्र बना दिया जाए, भारत को वही पुरानी जो पुराना ज्ञान की पद्धति है वो उस श्रेणी में ला के खड़ा किया जाए। एक तरफ देश बदनाम होगा, कमज़ोर रहेगा, तभी तो इनकी दाल गलती रहेगी, यही कारण है। अच्छा, अगर यही किसी दलित या मुस्लिम के साथ होता, आपको क्या लगता है क्या इसी तरीके से चुप्पी होती अब तक? चुप्पी होती, विधवा विलाप हो रहा होता, पूरा देश नाच रहा होता नंगा, आज मीडिया से ले कर और पूरा देख नहीं रहे, देखते हैं कितना भाई, क्या
कोई चोर मार दिया जाता है झारखंड में, वो गौ कसी जिसके घर में गाय का वो मिला अखलाक लाभ, सीधे सीधे गाय का मांस मिला, उसको मार देने के लिए अखिलेश देखे थे मुख्यमंत्री तक 1 करोड़ रुपया उसको देने के लिए चले आए थे, पूरा तहलका मच गया था, क्या 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 हुआ था देखे, याद नहीं है आपको? तो इनकी सत्ता होगी ये, इनका हौसला इसलिए बढ़ जाता है कि चलो हमारे लिए मुख्यमंत्री खड़ा है, लेकिन हमको हम बटे हुए हैं। इस समय कितने दिल्ली के लोग वहाँ गए हैं, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग, एक साधारण सी बात कह रहा हूँ कि यहाँ हिंदू क्या बात करते हैं, एक फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाल सकता, एक शब्द कोई ट्विटर पर लिख नहीं सकता, डर है कि हमारा मुस्लिम दोस्त कहीं नाराज ना हो जाए। जहां इस तरह की सोच रहेगी, जहां इस तरह की, आप लिख नहीं सकते, आप चर्चा नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, डरते हैं, इतना डरते हैं, जहां इतना हिजड़ापन हो, जहां इतनी कायरता हो, जहां इस तरह की बात हो, जब इस तरह का सोचेंगे तो वो डरेंगे, उनका हौसला अफजाई होगा। वो आज एक लड़का मारा गया है, कल 10 लड़के मारे जाएंगे, परसों और मारे जाएंगे, वो जानते हैं कि इनकी औकात नहीं है कि आप फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिख सकें। आपकी कमजोरी को वो खूब जानते हैं, इसी का लाभ उठा रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, और सिर्फ सत्ता तब तक आपके पास है, या संविधान तब तक है, या विचारधारा तब तक है, या सोच आप तब तक है, जब तक उनकी बहुमत नहीं है। जिस दिन बहुमत हो गया तो या न तो संविधान रहेगा, न यह लोकतंत्र रहेगा, न यह जो कह रहे हैं ना सेकुलर, सारा गंगा जमुना उड़ जाएगा और सारा यह विचारधारा खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक आप हैं, हम हैं, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने सभी धर्मों के सम्मान संस्कार इस लायक डाला है कि सबको गंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तब जब तक है तब तक हम आप सत्ता में हैं। जिस दिन हमारी आपकी सत्ता हटी उस दिन यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आने वाले दिनों में भारत का भविष्य ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिस दिन उनके हाथों में सत्ता गई उस दिन सारा संविधान पलट दिया जाएगा, न रहेगा यह दलित, न रहेगा ये आगड़ा पिछड़ा, न रहेगा जाति, जात की विचारधारा, सब कुछ खत्म करके एक वही जो कहा जाता है ना कि यहाँ गजवाए हिंद, वह कंडीशन लाके और भारत को, साहब को, हमको जजिया कर और फिर इस्लाम के लिए मजबूर करना, वही जो जनेऊ, एक एक कुंटल जनेऊ तौले जाते थे या सिखा तौला जाता था, वही कंडीशन धीरे धीरे लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है भारत को, वह बता रहे हैं, जता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जागिए, चिंतन करिए, मनन करिए, एक साथ होने का संकल्प लीजिए। बिजली पानी के चक्कर में कब तक इस दिल्ली को बर्बाद कर रहेंगे? यह दिल्ली का हर्ट है, दिल्ली की सोच पूरे देश में जाती है, और दिल्ली को जिस तरह बंधक बना लिया गया है, जिस तरह से दिल्ली को किया जा रहा है, जिस कंडीशन में दिल्ली को लाया जा रहा है, जब तक यह, वो भाई देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कहता है, मैं नक्सली हूँ। तो जब बिजली पानी के नाम पे आप एक नक्सली को मुख्यमंत्री बना देंगे तो उससे उम्मीद करते हैं क्या? आज अगर गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा अगर मुख्यमंत्री होता तो इनकी हौसला होती, एक तो गृहमंत्री का सत्ता अलग होता और हमारा विधायक और हमारे नेता आज चढ़ गए होते, इनके छाती पर चढ़ के बत्ता तोड़ देते और इनका गला पकड़ लेते, इनका जीना दुभर हो जाता, निकलना दुभर हो जाता, जब तक इस कंडीशन में इनको नहीं लाया जाएगा। लेकिन अगर अभी कोई बाकांड हो जाए तो क्या होगा? या दिल्ली देता है ना कि हमको वो चाहिए, बिका वो चाहिए, मैंने सत्ता इस कंडीशन, इस व्यक्ति को, एक आदमी के सत्ता हो जाएगा तो निरंकुश हो जाएगा। दिल्ली वालों से मैं पूछ रहा था उस समय, मैं भी कह रहा था, बता रहा था, यह जो घटनाएं घट रही हैं, यह दिल्ली के चुनाव के समय हम लोग बार बार घरों में जाके पर्चा देते हुए समझाते थे, बताते थे कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक है, या बिजली पानी पर मत जाइए, अगर जाएंगे तो आने वाले दिन आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, आपकी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, आपके बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं, आपका जीवन बहुत दुभर होने वाला है। लेकिन वो कहते थे नहीं, अगर मोदी भारत में देश का प्रधानमंत्री हो गया, यहाँ अगर उसको बिठा देंगे तो दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा और निरंकुश हो जाएंगे। तो निरंकुश से आज बचा रहे हैं, देख नहीं रहे किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से, या वो अभी अभी कहाँ, अब शाहीन बाग हुआ, उसके बाद से किसान आंदोलन के नाम, कौन परेशान है, कौन घरों से ड्यूटी नहीं जा रहा है, किसके घरों में परेशानी है, किसको दिक्कत हो रही है, चारों तरफ से घेरा गया है। उसी तरह से आज बच्चे मारे जा रहे हैं, कल और लोग मारे जाएंगे, घटनाएं बढ़ती रहेंगी। अब समझिए और सोचिए और चिंतन करिए।